हेलो फ्रेंड्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये फोटोशॉप का पार्ट 15 है, जिसमें आप आईड्रॉपर या कलर चूज करने का तरीका आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आप अपना फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ से अपना फोटोशॉप को ओपन कर लिया। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके आप फोटो को इंपोर्ट करें। जैसे मैं इस फोटो को ले लिया, यहाँ से ओपन कर लिया। देखिए, ये फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, बोले इंपोर्ट हो गया। आप जानते हैं आई ड्रॉपर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको आई ड्रॉपर मिलेगा, कलर सैंपल मिलेगा और मेजर टूल मिलेगा। तो आई ड्रॉपर पर क्लिक करते हैं। बेसिकली आई ड्रॉपर का काम क्या है कि आप चाहते हैं कि ये कलर आपको चाहिए तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट हो गया। या चाहते हैं आपको ये कलर चाहिए, इस चीज़ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, ये आपका कलर देखने को मिल गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर देखने को आपको मिल जाएगा। तो अब हमें आपको बता दूं कि इसका उपयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी फोटो को आप एडिट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इधर वाइट है और इधर काला है। तो जहाँ पे वो वाइट है, वहाँ से आप ये आई ड्रॉपर का साथ इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आपको कलर मिल जाएगा। और फिर इस कलर के साथ आप यहाँ से ये ले लीजिएगा ब्रश टूल। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आकर आप घुमाएंगे तो यही कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस तरह आप घुमाएंगे तो ऐसा कलर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। ये आप छोटे छोटे चीज़ है, बट इसका प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो आपने जाना आई ड्रॉपर का काम है कि आप किसी का भाई किसी भी कलर यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यही आपको इस पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने आई ड्रॉपर के बारे में जाना। अब जानते हैं आप कलर सैंपल टूल के बारे में। पहले इसको हम लोग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड कर दे रहे हैं। देखिए, ये क्या करता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पे घुमाएंगे, देखिए यहाँ पे आप घुमा रहे हैं तो इधर देखिएगा, इस पर आपको RGB मिलेगा, XY का मान मिलेगा और यहाँ से इसका मान मिलेगा, हाइट एंड विथ का आपको मान मिलेगा। जैसा आप ओवर करें, देखिए वहाँ से इसको आपको मिल रहा है। देखिए, इसका कोई उतना काम नहीं है, बट आपको ये जान लीजिए। आप जाने होंगे फोटोशॉप में है तो आप तो बताना तो पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप जहाँ पे घुमाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप एक और यहाँ सेलेक्ट कर लिए तो देखिए यहाँ पे आप एक और RGB आपको मोड देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ का कलर यहाँ के RGB मोड में आपको सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए फिर एक RGB मिल गया, आप यहाँ फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये कलर सैंपल के बारे में जान गए। अब जानते हैं मेजर टूल के बारे में। तो मेजर टूल पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इस यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू मिल जाएगा। इस यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप देख के देखिएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, कहाँ और कितना विविध है, और XY का मान मिल जाएगा। देखिए, जहाँ से आप ठीक कीजिएगा तो उसका देखिए हाइट एंड विथ बन गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये देखिए आप चाह रहे हैं कि इस कोण से लेकर इस कोण तक कितना विड्थ है, तो देखिए आपको यहाँ से इस तरह लेंगे तो देखिए यहाँ तक आपको विड्थ जो माइनस में गया और यहाँ से हाइट जो है वो प्लस में गया, 6.7 ये होता है, ये बेसिकली इंचेस में होता है, इतना इंच आपको यहाँ से यहाँ तक है। तो सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आई ड्रॉपर और मेजर टूल और कलर सैंपल के बारे में आप जान चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।